देखिए, अपने हरियाणा मंगल यात्रा के क्रम में हम आज धर्मनगरी सिरसा पधारे हैं, आए हैं और यहाँ के लोगों से हमने मेल मुलाकात की है। हमको ये बताया गया है कि इस समय की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नशे का युवाओं के बीच में फैल जाना। हमारे युवक भाई बंधु इस समय नशे की चपेट में आ रहे हैं और किसी षड्यंत्र के तहत नशे को बड़ी तेज़ी से समाज में बढ़ाया जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, यहाँ के युवा वर्ग से, कि ये नशा शुरुआत में आपको अच्छा लग सकता है लेकिन ये वास्तव में आपके जीवन को खोखला बना देगा। इसलिए समय रहते इससे बाहर निकल करके आ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए। क्यों? क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, भगवान की कृपा से मिला है, इसको इस तरह से नशे में व्यर्थ कर देना ठीक नहीं। तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप आगे आइए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आपकी असफलता के कारण आप नशे को अपना करके अगर ये चाहते हैं कि हम नशा अपना लेंगे और अपनी असफलता को छुपा लेंगे तो वो छुपेगी नहीं, बल्कि नशा आपको और भी असफल बना देगा। इसलिए नशे के माध्यम से जो सुकून आप खोजना चाहते हैं वो गलत। हमने यहाँ की जनता को अभी अपने प्रवचन में बताया है कि भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हमको शिक्षा देने के लिए। हर अवतार की अपनी एक अलग शिक्षा है। उनमें से भगवान के 24 अवतारों में से बलराम जी का एक अवतार हुआ है और वो क्या शिक्षा देता है कि नशा करने से विनाश होता है। आप देखिए कि पूरे यदुकुल का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिसमें भगवान बलराम ने अवतार लिया था, उसका भी नाश इसी नशे से हो गया। तो नशा जो है पूरे समाज को खोखला बना करके अंत में नष्ट कर देता है, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता। अब हम पहले सभी हरियाणा के जिलों में जा रहे हैं और वहाँ की जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और अगली योजना में हम पूरी योजना सामने रख करके हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उन 22 ज़िलों में 22, और सुनते हैं कि दो ज़िले और नए गठित होने वाले हैं, जल्दी उनकी घोषणा हो जाएगी, तो उन ज़िलों में नहीं तो फिर जो आपका राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ है वहाँ पर दो अवतारों की स्थापना करके इस तरह से 24 अवतारों की स्थापना हरियाणा में करके हरियाणा के नाम को गौरव हम प्रदान करना चाहते हैं। क्या आगे पीछे का मतलब आपके पीछे गद्दी के बच्चा, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था और आगे संत, तो काफ़ियों का ये ना मन में सवाल था, तो ये क्या इसका अर्थ मानते हैं? देखिए, हमारे साथ ब्रह्मचारी चलते हैं ताकि वो अध्ययन कर सकें, तो प्रतीक हैं वो। तो जैसे हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये बच्चा है अभी आया, अब जब हम यात्रा के लिए मठ से निकल रहे थे तो अपनी माँ के साथ आ गया और रोने लगा कि हम आपके साथ जाएंगे। तो हम लोगों ने सच्चा इनकी माता से कहा ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, 10 दिन के लिए हम इसको ले जाते हैं, घुमा के ले आते हैं। तो इस तरह से ये घूमा। तो हमारे साथ तो हमारे काम के कम लोग हैं, बहुत से जैसे वो गन्नी स्वामी जी, वो उधर बैठे हुए, वो हम जब निकल रहे थे तो आए, उन्होंने कहा मैं आपके साथ यात्रा में चलना चाहता हूँ, मैं भी हरियाणा देखना चाहता हूँ। हमने कहा चलो। तो ऐसे कुछ लोग साथ में आ जाते हैं, तो जो काम के लोग हैं वो तो कम ही। कैसा रहा सिरसा में, आपको कैसा लगे सिरसा? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, आप जैसे लोग यहाँ मिले हैं तो अच्छा लग रहा है। सिरसा तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमने देखा यहाँ साफ़ सफाई है, हमने देखा यहाँ की सड़कें चौड़ी भी हैं और व्यवस्थित हैं, यहाँ के मोहल्ले अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और लोग भी प्रसन्न मन दिखाई दे रहे हैं। सिरसा खूब अच्छा है। मठ के समाज सेवा के बहुत पीड़ित कार्य से हो रहे हैं, आपने मन से आह्वान किया, सीधा मठ के साथ जुड़े भी, मठ से भी हेल्प हुए, आप भी कितना योगदान दे सकते हैं? हाँ जी, ये परस्पर का हमारी संस्कृति है, लेन देन हमारी संस्कृति है कि हम आपके लिए कुछ करें, कुछ आप हमारे लिए करें, तो परस्परम भावयंतः की जो संस्कृति है सनातन की, उसके बारे में चर्चा कर दी गई कि हमारे जो ऐसा है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और दान के बारे में ये बताया गया है कि सत्पात्र को देना चाहिए जहाँ उसका सही उपयोग हो, तो लोगों को बता देना उचित होता है कि भाई आपके आपको अगर दान करना है तो यहाँ पर अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए आप कर सकते हो, कोई मजबूरी तो नहीं। और इसी तरह से अगर यहाँ किसी को ऐसी ज़रूरतमंद हो, कोई आवश्यकता वाला हो जिसको ज़रूरत हो, तो मठ भी पीछे नहीं है,
अगर वो संपर्क करेगा तो मठ उसको सहायता देने के लिए तैयार है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए करते हुए हम लोग आगे बढ़े, यही उस पर पीछे भाव। ठीक है,